सो व्हाट्सअप गाइस, आज आपका भाई सीवी फोटो एडिटिंग सिखाने वाला। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा फोटो सीवी एडिटिंग हुआ है, हमारा रिजल्ट तो आप लोग को देखने को मिला है ना भाई, हमको खुद नहीं बिलीव हुआ था इतने अच्छे तरीके से हमारा फोटो एडिट हो सकता है। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा फेस वगैरह सारा कुछ और जो बैकग्राउंड एडिट हुआ तो हमारा देख सकते हो, काफ़ी खतरनाक तरीके से हमारा फोटो लग रहा है। जब गाइस इस फोटो को हम इंस्टाग्राम पोस्ट किया ना तो तुरंत ही आप लोग बहुत सारे भाई लोग कमेंट करके और फोन करके पूछे भाई इसका फुल ट्यूटोरियल फटाक से लेके आओ। तो फाइनली गाइस आपका भाई फाइनली फटाक से फुल ट्यूटोरियल इसका बना के आप लोग अपलोड करके क्यों ना सोचे आप लोग भी कुछ इस टाइप का सीवी फोटो एडिटिंग करना सीख जाओगे। तो देख सकते हो हमारा फोटो काफ़ी अच्छे तरीके से एडिट हुआ, सेम प्रोसेस करके आप लोग ऐसा सीवी फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं बस आप लोग को कैच नहीं कर पूरा एंड तक वीडियो में बन लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का सीवी फोटो एडिटिंग करने से कोई भी नहीं आप लोग को रोक सकता है। तो देखिए हमारा फोटो काफ़ी अच्छे तरीके से सीवी फोटो एडिटिंग हुआ है, तभी आप लोग को और जब पिक दिखाएंगे तो आप लोग को बिलीव नहीं होगा कि इतना अच्छे तरीके से और जो सीवी फोटो एडिटिंग फोन से भी हो सकता है। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से अभी आप लोग दिखाते हैं ओरिजिनल पिक को, ओरिजिनल पिक को अभी दिखाएंगे ना तो आप लोग एहमस का जाएंगे। सो गाइस ये रहा हमारा ओरिजिनल पिक, इसी फोटो को हम लोग क्या क्या एडिट किए हैं, देखिए इसी फोटो को एडिट किए हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा रिजल्ट आप लोग को देखने को मिला है। तो आप लोग सेम प्रोसेस से आप लोग एडिट करना चाहते हैं तो बस आप लोग को थोड़ा सा 14-15 मिनट का वीडियो है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप लोग को पूरा डिटेल में समझाएं, इसके लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। तो इसके लिए गाइस आप लोग को देखिए एक कलर दो कलर में आप लोग देख सकते हैं, अनलिमिटेड कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हो लेकिन एक कलर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। और गाइस आप लोग जो प्रीसेट देने वाला इस वीडियो में एकदम बवाल प्रीसेट है, खतरनाक प्रीसेट है, बस आप लोग की रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो में बने रहेंगे तभी इस टाइप का सीवी फोटो एडिटिंग करना सीख पाएंगे। तो तब तक लिए गाइस चलते वीडियो की तरफ। तो ये रहा गाइस हमारा ओरिजिनल पिक, इसी फोटो को एडिट करने के लिए सबसे पहले अपना पिक को क्या करना, शेयर वाला आइकन में गाइस टाइप करके अपना फोटो को क्या करना है लाइटरूम ऐप में गाइस शेयर कर लेंगे। तो अपना फोटो को लाइटरूम ऐप में गाइस शेयर करने में तो आप लोग को कुछ नहीं इंटरफेस है कुछ ऐसा खुलेगा, तो आप लोग को क्या करना है इस वाला प्रीसेट को लेके थ्री डॉट पे आप लोग को टाइप करना है, थ्री डॉट पे टाइप करके इधर कॉपी सेटिंग करके लिखा है तो कॉपी सेटिंग कर लेंगे, यहाँ पर डन कर लेंगे। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे ना फिर से गाइस थ्री डॉट पे टाइप करके इधर कॉपी पेस्ट करके लिखा तो एक ही क्लिक में हमारा फोटो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग भी चाहते हो अपना फोटो को एडिट करना तो आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो हमारा फोटो देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे ना फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ करेंगे। तो फेस को गाइस अच्छे तरीके से स्मूथ करने के लिए अपना फोटो के दृश्य शेयर वाला आइकन में गाइस टाइप करके अपना फोटो को क्या करना है ऑटोडा स्केच बुक में गाइस आप लोग को शेयर कर लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं वेट करके एक बार और गाइस इधर से शेयर वाला आइकन पे गाइस टाइप करके फिर से गाइस इधर ऑटोडा एप्लीकेशन में आ चुका है हमारा फोटो। तो इसमें गाइस आने वाले गाइस हम क्या करेंगे अपना फेस को स्मूथ करने के लिए एक अच्छा सा ब्रश को आप लोग को लेना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस आपको अभी जो ब्रश बता रहा है जो सेटिंग बताएगा तो आप लोग ए वाला भी ब्रश दोनों ब्रश से भी कर सकते हो और गाइस ए वाला ब्रश से भी कर सकते हो लेकिन ए वाला जो ब्रश है बहुत ही अच्छा ब्रश है, बहुत ही कमाल का ब्रश है। तो ए वाला सेटिंग को सेम प्रोसेस करके रख के आप लोग को क्या करना बस अपने क्या करना अपना कपार के ऊपर नहीं आप लोग को क्या करना अपना जहाँ स्मूथ करना है लिलार के ऊपर और गाइस आप लोग अपना फेस पे आप लोग अच्छे तरीके से फेस को देख सको ये ब्रश को अप्लाई करने में। तो जो प्रीसेट इसमें दिए ना काफ़ी फाड़ू प्रीसेट हो, काफ़ी खतरनाक तरीके से हमारा फोटो एडिट होता है प्रीसेट से आप लोग देख सकते हो। तो ऐसा सेम प्रोसेस करके आप लोग को फेस वगैरह सारा कुछ अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेना, जैसा आपका भाई अच्छे तरीके से स्मूथ कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस करके आप लोग भी अपना फेस वगैरह सारा कुछ अच्छे तरीके से स्मूथ कर लीजिएगा। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से आपका भाई फेस को स्मूथ कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस करके आप लोग भी अपना फेस को जब स्मूथ करने जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग भी अपना फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हम फेस को स्मूथ कर रहे हैं। और गाइस आप लोग को थोड़ा सा एक आप बात बता रहे हैं कि गाइस वीडियो को थोड़ा सा हम फास्ट कर ले रहे हैं कि गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, इसलिए गाइस भाई वीडियो आपका भाई थोड़ा सा फास्ट कर ले रहा है कि गाइस आप लोग को भी टाइम वेस्ट ना हो। तो जल्दी जल्दी करके हम क्या करते हैं स्मूथ अपना फेस वगैरह सारा कुछ कर लेते हैं। तो बस आप लोग को जितना आराम से गाइस आप लोग फेस को स्मूथ करेंगे ना आप लोग उतना अच्छे तरीके से आप लोग का फोटो रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फाइनली गाइस हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी करके स्मूथ कर लेते हैं कि गाइस आप लोग को भी पता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा 13-14 मिनट का हो गया है। तो आप लोग को एक फोटो एडिटिंग सीखना है तो आप लोग थोड़ा सा टाइम दे के 13-14 मिनट आप लोग को कुछ नहीं होता है, 13-14 मिनट आप लोग समझ सकते हो, 13-14 मिनट होता है तो आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग पूरा लाइफ टाइम आप लोग को फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग फेस वगैरह सारा कुछ फाइनली गाइस हम स्मूथ कर लिए तो थोड़ा सा हम क्या बचा है इधर में इसको भी अच्छे तरीके से स्मूथ कर लिए तो हमारा फोटो अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका। स्मूथ हो जाने बाद गाइस अभी एक ही ऐप में गाइस आपका भाई बताएगा बैकग्राउंड को कैसे ब्लर करना, बैकग्राउंड को कैसे बैठाना, सारा कुछ आपका भाई स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता देगा। तो सबसे पहले इतना प्रोसेस हो जाने बाद शेयर वाला आइकन पे गाइस टाइप करके अपना फोटो को आप लोगों को क्या करना इधर ही से
शेयर वाला आइकन पर गाइस दाबेंगे तो आप लोग का फ़ोन थोड़ा सा ऐसा करके लोडिंग लेगा। ऐसा गाइस थोड़ा सा फ़ोन आप लोग को लोडिंग लेने में, तो गाइस आप लोग को क्या करना ना, तो सबसे पहले आप लोग को पिकार टैब में गाइस आप लोग को अपना फोटो को शेयर कर लेना है। तो पिकार टैब में गाइस शेयर करने में सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो आप लोग को क्या करना, अपना फोटो को गाइस सबसे पहले इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए आप लोग को एडिट वाला आइकन पर गाइस इस पर टाइप कर देना है। इस पर टाइप करने बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा, तो इस वाला ऑप्शन पर गाइस आप लोग को टाइप कर लेना है। तो इस वाला आइकन के गाइस टाइप करें तो फेदर वन पर गाइस आप लोग इधर मार्क मार के दिखा रहे हैं, तो इस वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टैप कर लेना है। सो गाइस इस वाला आइकन पे गाइस टैप के इसको रोटेट करके आप लोग को क्या करना ना, अपना फोटो को गाइस अच्छे तरीके से ब्लॉडिंग करके आप लोग को सेम प्रोसेस करके आप लोग को रख लेना है। उसके बाद आप लोग को पेंसिल आइकन पे आना, पेंसिल आइकन पे गाइस आके आप लोग को क्या करना, अपना फेस पे से इफेक्ट को अच्छे तरीके से अरेंज कर लेना। देखिए अपन को भाई कितना अच्छे तरीके से हम अपने फेस पे से इफेक्ट को अरेंज करें, तो बहुत ही आराम आराम से आप लोग को अपना फेस पे से इफेक्ट को अच्छे तरीके से अरेंज कर लेना है। देखिए कितना अच्छे तरीके से हम अपना फेस पे से इफेक्ट इरेज कर रहे हैं, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी अपना फेस पे से इफेक्ट को अच्छे तरीके से इरेज कर लेना है। तो देखिए काफी अच्छे तरीके से हम इरेज कर रहे हैं, तो सेम प्रोसेस करके और गाइस आप लोग ध्यान करके और ध्यान से आप लोग को करके अच्छे तरीके से आप लोग इरेज करना है। थोड़ा भी आप लोग को मिस्टेक नहीं करना, कि गाइस आप लोग को पता है जब आप लोग गलती करते हैं मिस्टेक में तो आप लोग को काम गड़बड़ हो ही जाता है। इसके लिए गाइस आपका भाई बोल रहा है आप लोग बहुत ही आराम आराम से करके अपना फेस वगैरह पैसे सारा कुछ पैसे अच्छे तरीके से इरेज कर लेना है। तो फाइनली गाइस हम इरेज कर लें, थोड़ा सा गाइस हमारा क्या हुआ हैंड पे नहीं आप लोग को पैर पे बचा है, तो इसको भी हम क्या करते हैं अच्छे तरीके से इरेज कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी अच्छे तरीके से अपना फेस वगैरह पैसे और हाथ वगैरह पैसे और पैर वगैरह पैसे इफेक्ट को अच्छे तरीके से इरेज कर लिया है, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को इरेज कर लेना, तो आप लोग हेयर पे वैसे भी अच्छे तरीके से इरेज कर लेना। तो फाइनली गाइस हम क्या करते हैं अपने हेयर पैसे भी अच्छे तरीके से इरेज कर लेते हैं। सो गाइस हेयर पैसे अच्छे तरीके से इरेज कर लें, तो उसके बाद आप लोग डन वाला आइकन पे गाइस डन करके आप लोग इधर इस गाइस आप लोग को सेव वाला आइकन पे गाइस टाइप करके अपना फोटो को इधर इस गाइस आप लोग को सेव कर लेना है। तो इसको गाइस अपना फोटो को सेव कर लेना कि गाइस आप लोग ये फोटो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इस फोटो को दो बार आप लोग क्या करते हैं सेव कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग इधर क्रॉप वाला आइकन दिखेगा, तो आप लोग इस फोटो को हटाने के लिए बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए इसको हटाने के लिए क्रॉप वाला आइकन पे गाइस टाइप करके उसके बाद हीलिंग वाला आइकन गाइस आप लोग को प्रो वर्जन रहेगा तभी आप लोग को यूज कर सकते हो। तो हीलिंग वाला आइकन गाइस आप लोग को ले लेना, बस अपने बैकग्राउंड के नहीं अपने गाइस अपने मॉडल के ऊपर अपने फोटो के ऊपर ऐसा करके अप्लाई कर लेना है। तो देखिए काफी अच्छे तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से अप्लाई कर लें, तो अपना आप लोग ऐसा पूरा फोटो के ऊपर अप्लाई करने बाद आप लोग को क्या करना, इधर रिमूव करके लिखा है तो रिमूव गाइस हम लोग क्या करेंगे टाइप करेंगे, तो रिमूव गाइस हम लोग टाइप करेंगे तो थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा गाइस आप लोग को वेट कर लेते हैं, तो आप लोग को एक ही क्लिक में हमारा अपना फोटो को रिमूव कर लेंगे। उसका गाइस आप लोग बैकग्राउंड के ब्लर कैसे होता है तो आप लोग को वो भी बताएंगे, बैकग्राउंड कौन सा आप लोग इफेक्ट डालेंगे तभी आप लोग को सीवी एडिटिंग में बैकग्राउंड ब्लर होता है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना ना, इधर एडिट वाला आइकन पे आके उसको ब्लर वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टाइप करना है। और सबसे पहले आप लोग को क्या करना ना, फर्स्ट ऑल ब्लर को आप लोग यही सीवी एडिटिंग का ब्लर है, तो आप लोग इसको ब्लर को कितना करके रखना है तो आप लोग देखिए 20 करके आप लोग ब्लर को करके रख के उसको गाइस आप लोग को क्या करना ना, पेंसिल आइकन पे गाइस टाइप करके उसको गाइस आप लोग कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। तो आप लोग ऊपर की साइड में ऐसा करके आप लोग को पहले आप लोग जहां ब्लर करना चाहते हैं तो अपने फोटो के हिसाब से आप लोग सेम प्रोसेस करके आप लोग अच्छे तरीके से ब्लर कर सकते हैं। तो देखिए काफी अच्छे तरीके से हमको जहां जहां ब्लर चाहिए तो आप लोग को क्या अच्छे तरीके से ब्लर कर लेंगे। उसको गाइस हम लोग क्या करेंगे, इसको एपसिटी को कुछ इतना सा कम करके दोनों को, उसके बाद गाइस आप लोग नीचे की साइड में जब ब्लर करने जाते हैं तो आप लोग को पता है मैच नहीं कर पाते हैं, इसके लिए गाइस आपका भाई अच्छे तरीके से आप लोग मैच कर सकते हो। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से मैच कर लिया है। उसके बाद इसलिए इतना प्रोसेस हो जाने बाद हम लोग क्या करेंगे ना, अभी देखिए अपना मॉडल को सेलेक्ट करेंगे यानी अपना फोटो को जो फोटो को सेव करें तो आप लोग बोल बहुत काम आएगा, तो फोटो को हम क्या करते हैं अपना ले लेते हैं। ये फोटो गाइस लेने बाद गाइस हम सबसे पहले आप लोग फोटो को लेके सबसे पहले ध्यान से देखिए दोनों फिंगर से अपना फोटो को सेम फोटो के ऊपर ऐसा करके बैठा लेना है। उसके बाद गाइस आप लोग को एक आइकन दिखेगा, कौन सा आइकन दिखेगा, इधर रिमूव पीजी करके लिखा है, तो रिमूव पीजी पर हम लोग क्या करेंगे ना टाइप कर देंगे तो एक ही क्लिक में हमारा फोटो क्लिक होके कट हो जाएगा। फोटो रूम एम में गाइस आप लोग को जाने का कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, तो एक ही क्लिक में थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे तो आप लोग को फोटो कट ही जाएगा। लेकिन जो आप लोग को फोटो रूम सेलेक्ट करता ऐसा ही सेम ए भी सेलेक्ट करता है तो हमारा कुर्सी तो गायब ही हो चुका है, जैसे लग रहा है वैसा ही बैठे हैं तो हमारा कुर्सी गायब हो चुका था। यहाँ पर कुर्सी अपना जो है
इसको पेंसिल आइकन पर स्टैप करके हम अपना कुर्सी को अच्छे तरीके से आप लोग को इसको लगा लेते हैं। जैसे आप लोग को थोड़ा सा आप लोग को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग को पता भी है पूरा ऐप आप लोग को वर्क नहीं करता, एक एक पार्ट पर आप लोग को इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को सामना सा करके मुश्किल से आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ पर गाइस आप लोग बैठा सकते हो। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से आपका भाई यहाँ पर गाइस कुर्सी को अच्छे तरीके से लगा ले रहा, बैठा ले रहा। जैसा हमारा लग रहा था कुर्सी हमारा गायब हो गया था, जैसा लग रहा था हम वैसा खड़ा है, इस खड़ा कैसा वगैरह बैठे हैं। तो सेम प्रोसेस करके अपना कुर्सी वगैरह जैसे चेक कर लेना, आप लोग को कोई भी नहीं छूटा है तो आप लोग को अच्छे तरीके से बैठा लेना है। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हम बैठा ले हैं उसको, अगर इतना प्रोसेस हो गया उसके बाद आप लोग को डन वाला आइकन पर गाइस डन करके हमारा जो पीएनजी वगैरह है तो सारा कुछ पीएनजी वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसको गाइस जो हमारा चाकू होता है, चाकू गाइस हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड फोटो पर आ जाएंगे। ऐड फोटो गाइस आके हमारा जो चाकू का पीएनजी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, चाकू का पीएनजी को ऐड करके फिर उसको गाइस इसको भी हम काटना पड़ेगा। तो रिमूव पीजी करके लिखा है तो रिमूव पीजी गाइस हम लोग क्या करेंगे, टैप कर देंगे। रिमूव पीजी गाइस टैप करने में गाइस उसके बाद आप लोग को क्या करना है ना, थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा गाइस आप लोग को वेट करके आप लोग वेट कर ले तो कुछ एक ही क्लिक आप लोग का फोटो पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। पीएनजी गाइस उसके बाद अपने हाथ में अच्छे तरीके से आप लोग को बैठा लेना है। सो गाइस देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से अपना हाथ में बैठा के और जो अपन लोग का एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पेंसिल आइकन में गाइस टाइप करके इसको इरेज कर लेना है। तो इरेज करने के बाद गाइस आप लोग को क्या करना है, इसको गाइस आप लोग अपना फोटो को डन कर लेना है। डन करने के बाद गाइस आप लोग को क्या करना ना, इधर देखिए बैकग्राउंड जो बोका इफेक्ट है तो उसको भी लगाने का बताएंगे, तो आप लोग उसको लगाने का अलग तरीका है। तो आप लोग को सबसे पहले आप लोग जो पीएनजी सारा कुछ पीएनजी को टैटू का पीएनजी, सबसे पहले हम क्या करते हैं टैटू को और लाइट को हम अपना लगा लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले लाइट का जो पीएनजी, तो लाइट को इसको लगा के सॉफ्ट करके उसको यहाँ पे एक लाइट को बैठा लेना। आप लोग को लाइट को गाइस बैठाने में सबसे पहले आप लोग को कलर को बैकग्राउंड को मैच करने के लिए यहाँ पे गाइस कलर पे आके आप लोग बैकग्राउंड को कलर को मैच दोनों साइड में आप लोग को रख लेना है। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से दोनों साइड में हम क्या करते लग रख लेते हैं इसको गाइस। इतना प्रोसेस हो जाने बाद आप लोग को क्या करना, एक और डुप्लीकेट लेना, सॉरी गाइस हमारा जो टैटू का पीएनजी है तो टैटू का पीएनजी को लगा लेते हैं। उसके बाद गाइस आप लोग को क्या करना, इसको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करके तो सॉफ्ट करके रख लेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करके रख के उसके बाद इसको एक बार रोटेट करके रोटेट वाला आइकन पे आएंगे। तो रोटेट करके इसको अच्छे तरीके से रख के आप लोग अपना हाथ में अच्छे तरीके से इसको बैठा लेना। अच्छे तरीके से गाइस बैठाने बाद तो गाइस आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको आप सीट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो इसको आप सीट को 50 नहीं तो 36 करके रख के उसको पेंसिल आइकन पे गाइस टाइप करके आप लोग जहां जहां चाहते हैं तो अपने फोटो के हिसाब से टैटू को भी लगा सकते हैं। तो देखिए काफी अच्छे तरीके से हम लगा रहे हैं। तो और गाइस आप लोग वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंजिंग आ चुका है, क्योंकि गाइस इधर बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके लिए गाइस आप लोग वॉइस में थोड़ा सा चेंजिंग आप लोग को देखना पड़ता होगा। तो इसके लिए गाइस आई एम रियली सॉरी कि गाइस हमारा जो रहते हैं वो सीट का रूम है, बहुत ही ज्यादा वॉइस आता है, बहुत ही बारिश आता है, बहुत ज्यादा साउंड करता है। तो अच्छे दोनों टाइटू हम क्या करते हैं ना, अपना स्टिकर वाला आइकन पे आके एक और जो हमारा टैटू का पेंज है शेर का, यहाँ पे गाइस इसको टैटू को लगा के अच्छे तरीके से इसको भी हमारे इसको एफ सी टू को फिर से गाइस आप लोग को कम करना पड़ेगा। तो इसको एफ सी टू को कम करके पेंसिल आइकन पे सबसे पहले क्लिक करके हम जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट के इसको डन कर लेंगे। उसको तो इसको एफ सी टू को कुछ इतना करके रख लेंगे। इसको एफ सी टू कुछ इतना करके रखने बाद आप लोग अपना फोटो को डन करके और जो हमारा पीएनजी है तो यहाँ पे एक लाइट का पीएनजी भाई तेरा बादशाह ऐसा कुछ करके लिखा तो वाला पीएनजी को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। वो वाला पीएनजी गाइस आप लोग अच्छे तरीके से ऐड कर लिए। तो हमारा पीएनजी आ चुका और जो हमारा तोता का पीएनजी था उसको भी ले चुके, इस पीएनजी गाइस यहाँ पे बैठा लेंगे। और उसके बाद जो हमारा तोते का पीएनजी यहाँ पे गाइस इसको कुछ आप लोग को अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको बैठा लेंगे। तो देखिए काफी अच्छे तरीके से हमारा फोटो एडिट हो चुका। उसके बाद हम आप लोग बता रहे तो बैकग्राउंड में बोका इफेक्ट डालने के लिए दूसरा चेंजिंग कर रहे हैं और आप लोग पीएनजी वगैरह नहीं, उसका आप लोग को खुद पिकार टेम में गाइस मिलेगा तो आप लोग कैसे मिलेगा। तो देखिए ऐसा करके रोटेट करके आएंगे तो इस वाला आइकन पे गाइस दबाएंगे तो आप लोग बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा, बहुत सारा ऑप्शन पे नहीं है तो आप लोग इस वाला आइकन में गाइस दाबेंगे तो आप लोग देखिए इसको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। इसको ब्रश को साइड को छोटा सा करके आप लोग बस ऐसा बैकग्राउंड में डालेंगे तो देखिए काफ़ी ज़्यादा बोका इफेक्ट हमारा बैकग्राउंड में पड़ जा रहा है। तो आप लोग ऐसा करके सेम प्रोसेस करके आप लोग को नहीं करना था, देखिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके आप लोग को करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करते अच्छे तरीके से इसको एफ सी टू को कम बेसी करके अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट करके आप लोग को भी कर लीजिएगा। और गाइस आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो सेम प्रोसेस करके आप लोग कर लेना। और गाइस आपका भाई का नंबर तो आप लोग 2-3 वीडियो के बाद दिए थे, आप लोग वहाँ से वीडियो देख के हमारा नंबर लेके आप फोन करके पूछ सकते हो कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा फोटो एडिट करके दिखा चुके, हेयर एडिट करने के लिए इसके लिए नहीं दिखाएं कि ऐसा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सिखाए तो हेयर को कैसे अपना हेयर को अच्छे तरीके से एडिट करें। तो देख सकते हो आपका भाई जैसा थंबनेल में दिखाया तो सेम फोटो एडिट करके दिखा चुका। आइयो गाइस आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, तब तक ले गाइस मिलेंगे ना किसी और नेक्स्ट वीडियो में।